शेष जी कहते हैं, मुने महर्षि च्यवन के अचिंतनीय तपोबल को देखकर शत्रुघ्न ने विश्व वंदित ब्राह्म बल की बड़ी प्रशंसा की। वे मन ही मन कहने लगे, कहां तो विशुद्ध अंतःकरण वाले मुनियों को स्वतः प्राप्त होने वाली महान भोगों की सिद्धि और कहां तपोबल से हीन मनुष्यों की भोगेच्छा। इस प्रकार सोचते हुए शत्रुघ्न ने च्यवन मुनि के आश्रम पर थोड़ी देर तक ठहर कर जल पिया और सुख एवं आराम का अनुभव किया। उनका घोड़ा पुण्य सलिला पयोष्णी नदी का जल पीकर आगे के मार्ग पर चल पड़ा। सैनिकों ने जब उसे आश्रम से निकलते देखा तो वे भी उसके पीछे पीछे चल दिए। कुछ लोग हाथी पर थे और कुछ लोग रथों पर, कुछ घोड़ों पर सवार थे और कुछ लोग पैदल ही जा रहे थे। शत्रुघ्न ने भी मंत्रीवर सुमति के साथ घोड़ों से सुशोभित होने वाले रथ पर बैठकर बड़ी शीघ्रता के साथ यज्ञ संबंधी अश्व का अनुसरण किया। वह घोड़ा आगे बढ़ता हुआ राजा विमल के रत्ना तट नामक नगर में जा पहुंचा। राजा ने जब अपने सेवक के मुंह से सुना कि श्री रघुनाथ जी का श्रेष्ठ अश्व संपूर्ण योद्धाओं के साथ अपने नगर के निकट आया है, तो वे शत्रुघ्न के पास गए और उन्हें प्रणाम करके अपना रत्न, कोष, धन और सारा राज्य सौंपते हुए सामने खड़े होकर बोले, मैं कौन सा कार्य करूं, मेरे लिए क्या आज्ञा होती है। शत्रुघ्न ने भी उन्हें अपने चरणों में नतमस्तक देख दोनों भुजाओं से उठाकर छाती से लगा लिया। इसके बाद राजा विमल भी पुत्र को राज्य देकर अनेकों धनुर्धर योद्धाओं सहित शत्रुघ्न जी के साथ गए। सबके मन और कानों को प्रिय लगने वाले श्री रामचंद्र जी का मधुर नाम सुनकर प्रायः सभी राजा उस यज्ञ संबंधी घोड़े को प्रणाम करते और बहुमूल्य रत्न एवं धन भेंट देते थे। इस प्रकार अश्व के मार्ग पर जाते हुए शत्रुघ्न ने एक बहुत ऊंचा पर्वत देखा। उसे देखकर उनका मन आश्चर्यचकित हो गया। अतः वे मंत्री सुमति से बोले, मंत्रीवर, यह कौन सा पर्वत है जो मेरे मन को विस्मय में डाल रहा है? इसके बड़े बड़े शिखर चांदी के समान चमक रहे हैं। मार्ग में इस पर्वत की बड़ी शोभा हो रही है। मुझे तो यह बड़ा अद्भुत जान पड़ता है। क्या यहां देवताओं का निवास स्थान है या यह उनकी क्रीड़ा स्थली है? यह पर्वत अपनी सब प्रकार की शोभा से मेरे मन को मोहे लेता है। शत्रुघ्न जी का यह प्रश्न सुनकर मंत्री सुमति, जिनका चित्त सदा श्री रामचंद्र जी के चरणों में लगा रहता था, बोले, राजन, हम लोगों के सामने यह नील पर्वत शोभा पा रहा है। इसके चारों ओर फैले हुए बड़े बड़े शिखर स्फटिक आदि मणियों के समूह हैं, अतएव वे बड़े मनोहर प्रतीत होते हैं। पापी और पर स्त्री लंपट मनुष्य इस पर्वत को नहीं देख पाते। जो नीच मनुष्य भगवान श्री विष्णु के गुणों पर विश्वास या आदर नहीं करते, सत्पुरुषों द्वारा आचरण में लाए हुए श्रौत और स्मार्त धर्मों को नहीं मानते तथा सदा अपने बौद्धिक तर्क के आधार पर ही विचार करते हैं, उन्हें भी इस पर्वत का दर्शन नहीं होता। नील और लाह की बिक्री करने वाले मनुष्य, घी आदि बेचने वाला ब्राह्मण तथा शराबी मनुष्य भी इसके दर्शन से वंचित रहते हैं। जो पिता अपनी रूपवती कन्या का किसी कुलीन वर के साथ ब्याह नहीं करता, बल्कि पाप से मोहित होकर धन के लोभ से उसको बेच देता है, उसे भी इसका दर्शन नहीं होता। जो मनुष्य उत्तम कुल और शील से युक्त सती साध्वी स्त्री को कलंकित करता है तथा भाई बंधुओं को न देकर स्वयं ही मीठे पकवान उड़ाता है, जो ब्राह्मण का धन हड़प लेने के लिए जालसाजी करता है, रसोई में भेद करता है तथा जो दूषित विचार रखने के कारण केवल अपने लिए खिचड़ी या खीर बनाता है, वह भी इस पर्वत को नहीं देख पाता। महाराज, जो मध्यान्ह काल में भूख से पीड़ित होकर आए हुए अतिथियों का अपमान करते हैं, दूसरों के साथ विश्वासघात करते रहते हैं तथा जो श्री रघुनाथ जी के भजन से विमुख होते हैं, उन्हें भी इस पर्वत का दर्शन नहीं होता। यह श्रेष्ठ पर्वत बड़ा ही पवित्र है। पुरुषोत्तम का निवास स्थान होने से इसकी शोभा और भी बढ़ गई है। अपने दर्शन से यह मनोहर शैल हम सब लोगों को पवित्र कर रहा है। देवताओं के मुकुटों से जिनके चरणों की पूजा होती है, जहां देवता अपने मुकुट मंडित मस्तक झुकाया करते हैं,
पुण्यात्मा पुरुष ही जिनका दर्शन पाने के अधिकारी हैं, वे पुण्य प्रदाता भगवान पुरुषोत्तम इस पर्वत पर विराजमान हैं। वेद की श्रुतियां नेति नेति कहकर निषेध की अवधि रूप से जिनको जानती हैं, इंद्रादि देवता भी जिनके चरणों की रज ढूंढा करते हैं फिर भी उन्हें सुगमता से प्राप्त नहीं होती, तथा विद्वान पुरुष वेदांत आदि के महावाक्यों द्वारा जिनका बोध प्राप्त करते हैं, वे ही श्रीमान पुरुषोत्तम इस महान पर्वत पर विराज रहे हैं। जो इस नीलगिरी पर चढ़कर भगवान को नमस्कार करता और पुण्य कर्म आदि के द्वारा उनकी पूजा करके उनका प्रसाद ग्रहण करता है, वह साक्षात भगवान चतुर्भुज का स्वरूप हो जाता है। महाराज, इस विषय में जानकार लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं, उसको सुनो। राजा रत्नग्रीव को अपने परिवार के साथ ही जो चार भुजा आदि भगवान का सारूप्य प्राप्त हुआ था, उसी का इस उपाख्यान में वर्णन है। ऐसा सौभाग्य देवता और दानवों के लिए भी दुर्लभ है। यह आश्चर्यपूर्ण वृत्तांत इस प्रकार है। तीनों लोकों में प्रसिद्ध जो कांची नाम की नगरी है, वह पूर्व काल में बड़ी संपन्न अवस्था में थी। वहां बहुत अधिक मनुष्यों की आबादी थी। सेना और सवारी सभी दृष्टियों से कांची बड़ी समृद्ध शालिनी पूरी थी। वहां ब्राह्मणोचित छह कर्मों में निरंतर लगे रहने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण निवास करते थे, जो सब प्राणियों के हित में संलग्न और श्री रामचंद्र जी के भजन के लिए सदा उत्कंठित रहने वाले थे। वहां के क्षत्रिय युद्ध में लोहा लेने वाले थे। वे संग्राम में कभी पीछे पैर नहीं हटाते थे। पराई स्त्री, पराए धन और परद्रोह से वे सदा दूर रहने वाले थे। वैश्य भी व्याज, खेती और व्यापार आदि शुभ वृत्तियों से जीविका चलाते हुए निरंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में अनुराग रखते थे। शूद्र जाति के मनुष्य रात दिन अपने शरीर से ब्राह्मणों की सेवा करते और जिह्वा से राम राम की रट लगाए रहते थे। वहां नीच श्रेणी के मनुष्यों में भी कोई ऐसा नहीं था जो मन से भी पाप करता हो। उस नगरी में दान, दया, दम और सत्य ये सदा विराजमान रहते थे। कोई भी मनुष्य ऐसी बात नहीं बोलता था जो दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाली हो। वहां के लोग न तो पराये धन का लोभ रखते और न कभी पाप ही करते थे। इस प्रकार राजा रत्नग्रीव प्रजा का पालन करते थे। वे लोभ से रहित होकर केवल प्रजा की आय के छठे अंश को कर के रूप में ग्रहण करते थे, इससे अधिक कुछ नहीं लेते थे। इस तरह धर्म पूर्वक प्रजा का पालन और सब प्रकार के भोगों का उपभोग करते हुए राजा के अनेकों वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन उन्होंने अपनी धर्म पत्नी विशालाक्षी से, जो पातिव्रत्य धर्म का पालन करने वाली पतिव्रता थी, कहा, प्रिय, अब अपने पुत्र प्रजा की रक्षा का भार संभालने वाले हो गए। भगवान महाविष्णु के प्रसाद से मेरे पास किसी बात की कमी नहीं है। अब मेरे मन में केवल एक ही अभिलाषा रह गई है, वह यह कि मैंने आज तक किसी परम कल्याणमय उत्तम तीर्थ का सेवन नहीं किया। जो मनुष्य जन्म भर अपना पेट ही भरता रहता है, भगवान की पूजा नहीं करता, वह बैल माना गया है। इसलिए कल्याणी, मैं राज्य का भार पुत्र को सौंप कर अब कुटुंब सहित तीर्थ यात्रा के लिए चलना चाहता हूं। ऐसा निश्चय करके उन्होंने संध्या काल में भगवान का ध्यान किया और आधी रात को सोते समय स्वप्न में एक श्रेष्ठ तपस्वी ब्राह्मण को देखा। फिर सवेरे उठकर उन्होंने संध्या आदि नित्य कर्म पूरे किए और सभा में जाकर मंत्री जनों के साथ वे सुखपूर्वक विराजमान हुए। इतने में ही उन्हें एक दुर्बल शरीर वाले तपस्वी ब्राह्मण दिखाई दिए, जो जटा, वलकल और कौपीन धारण किए हुए थे। उनके हाथ में एक छड़ी थी तथा अनेकों तीर्थों के सेवन से उनका शरीर पवित्र हो गया था। महाबाहु राजा रत्नग्रीव ने उन्हें देख मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और प्रसन्न चित्त होकर अर्ध्य, पाद्य आदि निवेदन किया। जब ब्राह्मण सुखपूर्वक आसन पर बैठकर विश्राम कर चुके तो राजा ने उनका परिचय जानकर इस प्रकार प्रश्न किया, स्वामिन, आज आपके दर्शन से मेरे शरीर का समस्त पाप निवृत्त हो गया। वास्तव में महात्मा पुरुष
दीन दुखियों की रक्षा के लिए ही उनके घर जाते हैं। ब्राह्मण, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, इसलिए मुझे एक बात बताइए, कौन सा देवता अथवा कौन ऐसा तीर्थ है जो गर्भवास के कष्ट से बचाने में समर्थ हो सकता है? आप लोग समाधि और ध्यान में तत्पर रहने वाले हैं, अतः सर्वज्ञों में श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, आपने तीर्थ सेवन के विषय में जिज्ञासा करते हुए जो यह प्रश्न किया है कि किस देवता की कृपा से गर्भवास के कष्ट का निवारण हो सकता है, सो उसके विषय में बता रहा हूं, सुनिए। भगवान श्री रामचंद्र जी की ही सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वे ही संसार रूपी रोग का नाश करने वाले हैं। वे ही भगवान पुरुषोत्तम के नाम से प्रसिद्ध हैं, उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। मैंने सब पापों का क्षय करने वाली अनेकों पुरियों और नदियों का दर्शन किया है। अयोध्या, सरयू, तापी, हरिद्वार, अवंती, विमला, कांची, समुद्रगामिनी, नर्मदा, गोकर्ण और करोड़ों हत्याओं का विनाश करने वाला हाटक तीर्थ, इन सब का दर्शन पाप को दूर करने वाला है। मल्लिका नाम से प्रसिद्ध महान पर्वत मनुष्यों को दर्शन मात्र से मोक्ष देने वाला है, तथा वह पातकों का भी नाश करने वाला तीर्थ है, उसका भी मैंने दर्शन किया है। देवता और असुर दोनों जिसका सेवन करते हैं, उस द्वारवती द्वारकापुरी तीर्थ का भी मैंने दर्शन किया है। वहां कल्याणमयी गोमती नाम की नदी बहती है, जिसका जल साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। उसमें शयन करना अर्थात डूबना लय कहलाता है, और मृत्यु को प्राप्त होना मोक्ष, ऐसा श्रुति का वचन है। उस पुरी में निवास करने वाले मनुष्यों पर कलयुग कभी अपना प्रभाव नहीं डाल पाता। जहां के पत्थर भी चक्र से चिन्हित होते हैं, मनुष्य तो चक्र का चिन्ह धारण करते ही हैं। वहां के पशु पक्षी और कीट पतंग आदि सबके शरीर चक्र से अंकित होते हैं। उस पुरी में संपूर्ण जगत के एकमात्र रक्षक भगवान त्रिविक्रम निवास करते हैं। मुझे बड़े पुण्य के प्रभाव से उस द्वारकापुरी का दर्शन हुआ है। साथ ही जो सब प्रकार की हत्याओं का दोष दूर करने वाला है, तथा जहां महान पातकों का नाश करने वाला समंत पंचक नामक तीर्थ है, उस कुरुक्षेत्र का भी मैंने दर्शन किया है। इसके सिवा मैंने वाराणसी पुरी को भी देखा है, जिसे भगवान विश्वनाथ ने अपना निवास स्थान बनाया है, जहां भगवान शंकर मुमूर्ष प्राणियों को तारक ब्रह्म के नाम से प्रसिद्ध राम मंत्र का उपदेश देते हैं, जिसमें मरे हुए कीट पतंग भृंग पशु पक्षी आदि तथा असुर योनि के प्राणी भी अपने अपने कर्मों के भोग और सीमित सुख का परित्याग करके दुख सुख से परे हो कैलाश को प्राप्त हो जाते हैं, तथा जहां मणिकर्णिका तीर्थ और उत्तर वाहिनी गंगा हैं, जो पापियों का भी संसार बंधन काट देती हैं। राजन, इस प्रकार मैंने अनेकों तीर्थों का दर्शन किया है, परंतु नीलगिरी पर भगवान पुरुषोत्तम के समीप जो महान आश्चर्य की घटना देखी है, वह अन्यत्र कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं हुई है। पर्वत श्रेष्ठ नीलगिरी पर जो वृत्तांत घटित हुआ था, उसे सुनिए। इस पर श्रद्धा और विश्वास करने वाले पुरुष सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। मैं सब तीर्थों में भ्रमण करता हुआ नीलगिरी पर गया, जिसका आंगन सदा गंगा सागर के जल से धुलता रहता है। वहां पर्वत के शिखर पर मुझे कुछ ऐसे भील दिखाई दिए, जिनकी चार भुजाएं थीं और वे धनुष धारण किए हुए थे। वे फल मूल का आहार करके वहां जीवन निर्वाह करते थे। उस समय उन्हें देखकर मेरे मन में यह महान संदेह खड़ा हुआ कि ये धनुष बाण धारण करने वाले जंगली मनुष्य चतुर्भुज कैसे हो गए। वैकुंठ लोक में निवास करने वाले जितेंद्रिय पुरुषों का जैसा स्वरूप शास्त्रों में देखा जाता है, तथा जो ब्रह्मा आदि के लिए भी दुर्लभ है, ऐसा स्वरूप इन्हें कैसे प्राप्त हो गया। भगवान विष्णु के निकट रहने वाले उनके पार्षदों के हाथ जिस प्रकार शंख चक्र गदा शारंग धनुष तथा कमल से सुशोभित होते हैं, तथा उनके शरीर पर जैसे वनमाला शोभा पाती है, उसी प्रकार ये भील भी क्यों दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार संदेह में पड़ जाने पर मैंने उनसे पूछा, सज्जनों, आप लोग कौन हैं और यह चतुर्भुज स्वरूप आपको कैसे प्राप्त हुआ है। मेरा प्रश्न सुनकर वे लोग बहुत हंसे और कहने लगे,
ये महाशय ब्राह्मण होकर भी यहां के पिंडदान की अद्भुत महिमा नहीं जानते। यह सुनकर मैंने कहा, कैसा पिंड और किसको दिया जाता है? चतुर्भुज शरीर धारण करने वाले महात्माओं, मुझे इसका रहस्य बताओ। मेरी बात सुनकर उन महात्माओं ने जिस तरह उन्हें चतुर्भुज स्वरूप की प्राप्ति हुई थी वह सारा वृत्तांत कह सुनाया। किरात बोले, ब्राह्मण हम लोगों का वृत्तांत सुनो। हमारा एक बालक प्रतिदिन जामुन आदि वृक्षों के फल खाता और अन्य बालकों के साथ विचरा करता था। एक दिन घूमता घामता वह यहां आया और शिशुओं के साथ ही इस पर्वत के मनोहर शिखर पर चढ़ गया। ऊपर जाकर उसने देखा एक अद्भुत देव मंदिर है। उसकी दीवार सोने की बनी हुई है जिसमें गारुत्मत आदि नाना प्रकार की मणियां जड़ी हुई हैं। वह अपनी मनोहर कांति से सूर्य की भांति अंधकार का नाश कर रहा है। उसे देखकर बालक को बड़ा विस्मय हुआ और उसने मन ही मन सोचा, यह क्या है, किसका घर है? जरा चलकर देखूं तो सही, यह महात्माओं का कैसा स्थान है? ऐसा विचार कर वह बड़भागी बालक मंदिर के भीतर घुस गया। वहां जाकर उसने देवाधिदेव पुरुषोत्तम का दर्शन किया, जिनके चरणों में देवता और असुर सभी मस्तक झुकाते हैं, जिनका श्री विग्रह किरीट, हार, केयूर और ग्रैवेयक कंठा आदि से सुशोभित रहता है, जो कानों में अत्यंत उज्जवल और मनोहर कुंडल धारण करते हैं, जिनके युगल चरण कमलों पर तुलसी की सुगंध से मतवाले हुए भंवरे मंडराया करते हैं, शंख, चक्र, गदा और कमल आदि परिकर दिव्य शरीर धारण करके जिनके चरणों की आराधना करते हैं, तथा नारद आदि देवर्षि जिनके श्री विग्रह की सेवा में लगे रहते हैं, ऐसे भगवान की उस बालक ने झांकी की। वहां भगवान की उपासना में लगे हुए देवताओं में से कुछ लोग गाते थे, कुछ नाच रहे थे और कुछ लोग अद्भुत रूप से अट्टहास कर रहे थे। वे सभी विश्व वंदित भगवान को रिझाने में ही लगे हुए थे। भगवान को देखकर हमारा बालक उनके निकट चला गया। देवताओं ने अच्छी तरह पूजा करके श्री रमा वल्लभ भगवान को धूप और नैवेद्य अर्पण किया तथा आदर पूर्वक उनकी आरती करके भगवत कृपा का अनुभव करते हुए वे सब लोग अपने अपने स्थान को चले गए। उस बालक के सौभाग्यवश वहां भगवान को भोग लगाया हुआ भात गिरा हुआ था, जो मनुष्यों के लिए अलभ्य और देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, वही उसे मिल गया। उसको खाकर बालक ने भगवान के श्री विग्रह का दर्शन किया। इससे उसे चतुर्भुज रूप की प्राप्ति हो गई और वह अत्यंत सुंदर दिखाई देने लगा। चार भुजा आदि भगवत्सा रूप्य को प्राप्त हो शंख चक्र आदि धारण किए जब वह बालक घर आया तो हम लोगों ने बारंबार उसकी ओर देखकर पूछा, तुम्हारा यह अद्भुत स्वरूप कैसे हो गया? तब बालक अपने आश्चर्य युक्त वृत्तांत का वर्णन करने लगा। मैं नीलगिरी के शिखर पर गया था, वहां मैंने देवाधिदेव भगवान का दर्शन किया है, वहीं भगवान को भोग लगाया हुआ मनोहर प्रसाद भी मुझे मिल गया था, जिसके भक्षण करने मात्र से इस समय मेरा ऐसा चतुर्भुज स्वरूप हो गया है। मैं स्वयं ही अपने इस परिवर्तन पर विस्मय विमुग्ध हो रहा हूं। बालक की बात सुनकर हम सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और हमने भी इन परम दुर्लभ भगवान का दर्शन किया। साथ ही सब प्रकार के स्वाद से परिपूर्ण जो अन्न आदि का प्रसाद मिला उसको भी खाया। उसके खाते ही भगवान की कृपा से हम सब लोग चार भुजाधारी हो गए। साधु श्रेष्ठ, तुम भी जाकर भगवान का दर्शन करो, वहां अन्न का प्रसाद ग्रहण करके तुम भी चतुर्भुज हो जाओगे। विप्रवर, तुमने हम लोगों से जो बात पूछी और जिसको कहने के लिए हमें आज्ञा दी थी वह सब वृत्तांत हम लोगों ने कह सुनाया।